में पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच अब सब्जियां भी महंगी होने लगी हैं। रायपुर में आम जनता का कहना है कि पहले तो सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था, लेकिन अब सब्जी भी महंगी हो गई है। इसमें आम आदमी क्या खाएगा और किस तरह से अपने घर चलाएगा, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। वहीं व्यापारियों का कहना है कि सब्जियां वाहनों के जरिए आती हैं, ऐसे में जब पेट्रोल डीजल महंगा है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और इस वजह से सब्जियां महंगी हैं। सब्जी बहुत महंगी है यहाँ तो, एकदम महंगी चल रही है, अब क्या करेंगे। सड़ी सड़ी सब्जी है, वो भी 40-30, 40 से नीचे कोई सब्जी नहीं है। और सारा टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा है, तो क्या है? तो करेंगे क्या? वो उन्होंने भी 30 रुपए किलो में लिया होगा, 10 रुपए किलो। कोरोना काल में अब सब्जियाँ भी महंगी हो गई है। आज हम भाठा गाँव बाजार में मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम व्यापारी जो है वो सब्जी बेचते हुए नजर आ रहे, तो वही जो आम जनता है वो सब्जी जो है वो कम खरीदते हुए नजर आ रही है। तो आज जो है पेट्रोल डीजल के बाद सब्जियाँ भी महंगी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों का मानना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बढ़े हैं, तो ट्रांसपोर्ट जो चार्ज है वो भी उसकी भी पूर्ति की जाएगी। छोटे से सब्जियों को जो है महंगी की गई है, इस तरह के जो बात है वो लोग कह रहे हैं। और सब्जी जो है वो अब महंगी हो गई है, कोरोना काल में लोगों को अब महंगी सब्जी के साथ ही जो है घर चलाना होगा। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी।